इंडो नेपाल बॉर्डर पर बलरामपुर श्रावस्ती सीमा क्षेत्र के थाना सिरसिया पुलिस टीम थाना प्रभारी पंकज कुमार, उप निरीक्षक फिरतू यादव, कांस्टेबल अजय कुमार यादव, अमन यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सिरसिया क्षेत्र के ग्राम गुलरा पर सोना के पास से एक अफगानी नागरिक सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम 16 अक्टूबर 2022 की शाम को चेकिंग हेतु निकली हुई थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तीन संदिग्ध व्यक्ति गुलरा पर सोना के पास खड़े हुए हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो पुलिस को देखकर तीनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। एक अफगानी नागरिक इमरान सामी साफी, ये इसके साथ दो लोगों को और गिरफ्तार किया गया है सिरसिया पुलिस द्वारा। ये वर्ष 2017 में अफगानिस्तान से दिल्ली आया था टूरिस्ट वीज़ा पर 3 माह के लिए, उसके बाद से वापस नहीं गया। उसके बाद इसने दिल्ली में कुछ दिन काम किया, फिर गुड़गांव में भी एक उसके नॉनवेज ढाबे पर काम किया, उसके बाद पुणे भी चला गया था, वहाँ भी रहा काफ़ी दिन तक, फिलिस्तीन कैफे में काम कर रहा था। और उसके बाद ये जालंधर में जाके वहाँ पे एक इसने अपना ढाबा खोला था, रेस्टोरेंट नॉनवेज, उसमें यहाँ का सिरसिया निवासी रहमत अली उसके साथ काम कर रहा था, उसी के साथ ये यहाँ पे आया था। जब इनसे पूछा गया तो इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे ओरिजिनल रूप में, इसलिए गिरफ्तारी की गई। जो मोबाइल में इनके पास जो मोबाइल नंबर था, वो इनके साथ गिरफ्तार नरेंद्र पाल सिंह जो पंजाब का रहने वाला है उसके नाम पे वो सिम है, और इनके मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट था उसके आधार पर 2021 में तक इनका पासपोर्ट वैलिड था। इस पर विधिक कार्रवाई की गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।